हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा सब, तो वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात आती है तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, यानी डिफाइन करने के लिए हम डेफ लिखते हैं। तो डेफ हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, और हमें सब नाम से बनाना है। सब क्या बनाना है? सब नाम से फंक्शन बनाना है। तो यहाँ लिख दीजिए सब और यहाँ ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी, अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गैपिंग वगैरह प्रॉपर रहे, ठीक है। और ए और बी यानी कि दो ही यहाँ पर हम नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, यानी पहले में से सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, दूसरे को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सब नाम से जो फंक्शन बनाया, यहाँ लिखेंगे सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ सिंपल वे में लिख देंगे ये, ठीक है। और रिटर्न क्या करवाएंगे? तो रिटर्न यहाँ पे कर दिया हमने रिटर्न, और यहाँ पे सब को हम रिटर्न करवा लेंगे। तो ये सब को रिटर्न करवा लिया, अब यहाँ पर इसको डिफाइन करने की बारी है। तो यहाँ लिख देता हूं नम वन, नम वन इज इक्वल टू इंट, यहाँ पे करेंगे इनपुट, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंटर ई एन टी ई आर, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट नंबर, ये कर दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, इसको बंद कर दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे नम टू करेंगे, तो नम टू इज इक्वल टू इंट, फिर यहां लिखेंगे इनपुट, फिर यहां पर दे देंगे एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, तो ये दोनों ही चीजें मैंने दे दी हैं। अब एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं तो अब यहां पे क्या करना है, इसको डिफाइन करने की बारी है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे उसको भी देख लिया जाए। तो ये ऊपर ही हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यहां पे देख सकते हैं ये चीज तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो यहां पर अब आपको लास्ट में आकर के प्रिंट लिख करके वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपको खाली करना क्या है, खाली इसको प्रिंट करवा देना है। तो यहां लिख देता हूं द सब्ट्रैक्शन, और यहां पर सब को कॉल भी कर लेते हैं, सब सब नाम से बनाया ना, उसको कॉल भी करना होगा। तो ये सब नाम से हमने इसको कॉल भी कर लिया है, अब यहां पर इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहां सिक्स किया, यहां पे सेवन किया, तो सिक्स में से सेवन जाए, माइनस वन यहां पर आ चुका है, देख सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का, अब अगर आपको एड करना है तो यहां एड नाम से फंक्शन बना सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर लिखा एड, ए डबल डी एड, ठीक है, और ए कॉमा बी हो जाएगा, और यहां पर ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐड करने में प्लस का साइन आता है ना कि माइनस का, तो यहाँ पे माइनस को हटा करके आप प्लस कर सकते हैं ऐड के लिए बनाना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड लिख दीजिएगा, ये ऐड हो जाएगा, और फिर लास्ट में आते हुए एडिशन कर दीजिएगा सब्ट्रैक्शन की जगह, बस ये चीज करिएगा। और किसी भी तरह का आप इस तरह का प्रोग्राम अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा ऐड, हो गया काम, बस यहाँ से आप टाइप करिए, एंटर करिए, और ये देखिए आप, देखिए ये ऐड करेगा, यही फंक्शन ऐड करके देगा आपको। तो नाइन में सिक्स ऐड करके ये दे रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है, ओके।